आ जाओ इस तरह आ जाओ बिस्मिल्लाह करो भाई नहीं 15 और हमारे में तो टाइम हो गया है भाई अच्छा तीन दो तो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दो फोन को आज को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सफर है नहीं, नहीं, नहीं क्या करना है अल्लाह का नाम होता है ना मेरे अच्छा जी भाई औज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बता दे कि डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं ये बता दे कि डेली बेसिस पे अपडेट देते रहेंगे जी जी बहुत शुक्रिया आप सब तशरीफ लाए हैं हमने सोचा कि अब डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होगी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं उनका सिलसिला अब बाकायदा एक फ्रीक्वेंसी से आपको अपडेट देने के लिए भी ज़रूरी होता है कभी मैं अगर मौजूद हुई फैसल साहब या पार्टी के और जो दीगर हमारे सीनियर्स भी हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपको वक्तन फवक्तन इंगेज करें क्योंकि आप जानते हैं कि इस मुल्क की जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है वो खासी दिलचस्प हो गई है और जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं उनके खिलाफ जॉइंट अपोजिशन ने जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है उसके बाद से ये हुकूमत जो वैसे ही नाअहल नालायक है जिसने वैसे ही अवाम को दीवार से लगाया हुआ है जिसने वैसे ही पाकिस्तान की अवाम की चीखें निकाल दी हैं वो अब ख़ुद परेशान है बौखलाहट का शिकार है और रोज़ जो है वो जो रोज़ की बुनियाद पर ये इख़लाक़ से गिरती हुई बातें कर रहे हैं हमें इनकी तरह इख़लाक़ से गिरी हुई बातें करनी नहीं आती ना हमारी ख़ानदानी तरबियत है ना हमारी सियासी तरबियत है ना हमें हमारी फैमिली इजाज़त देती है ना हमें हमारी जमात इजाज़त देती है कि हम किसी के साथ इनकी तर्ज पर बात करें ये रोज़ गालियाँ बक रहे हैं पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया मुल्क है जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं और इसके साथ साथ एटमी ताकत है इस एटमी ताकत का वज़ीर आज़म जितनी गिरी हुई बातें कर रहा है इखलाक से गिरी हुई बातें जो हम सुन रहे हैं गालम गलोच जो हम सुन रहे हैं हमें बहसित पाकिस्तानी शर्म आती है अगर आपको इख्तलाफ़ है अपोजिशन की जमातों से तो इख्तलाफ़ इजहार तहजीब के दायरे में रहकर भी किया जा सकता है लेकिन ये नाकाम शख्स जो हर ज़िंदगी के हर मरहले पर नाकाम रहा है और अब सियासत में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहा है वो इस कदर परेशान है कि सिवाय गालियों के वो कोई और बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ उनसे ये कहूँगी कि अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आप अपने नंबर्स को इकट्ठा करें और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये नंबर्स पर फोकस नहीं कर रहे धांधली पर फोकस कर रहे हैं तो इमरान खान को चाहिए कि वो नंबर्स पर गौर करें और धांधली करने के जो तरीक़ेकार हैं उस पर कम काम करें क्योंकि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिलावल साहब की उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े कहा कि जी वोट का हम हक रखते हैं पाकिस्तान में जिस तरीके से हम सब लोग जनरल इलेक्शन के अंदर वोट देने का हक रखते हैं इसी तरीके से आईन और नेशनल असेंबली के कवानीन की रूह से हर कौमी असेंबली का मेंबर भी वोट देने का हक रखता है उस मेंबर को किसी भी तरीके से ये हुकूमत या स्पीकर कौमी असेंबली उस हक से महरूम नहीं रख सकते और अगर उन्हें इस हक से महरूम रखा जाने की साजिश की जाएगी तो वो गैर आइनी काम होगा गैर कानूनी काम होगा आज एक किसी कन्वेंशन के अंदर हम सुन रहे थे कि आधे दर्जन के करीब वुजरा जो थे वो बातें कर गए लेकिन उन आधे दर्जन वुजरा ने अवाम की कोई बात नहीं की बात सिर्फ थी कि जी
अपोजिशन क्या कर रही है, अपोजिशन कितनी खराब है, अपोजिशन को किस तरह टारगेट किया जाए, उन तकरीर का लुबे लुबाब सिर्फ ये था, बड़े अफसोस के साथ। मतलब जिस सतह पर इस वक्त ये लोग हैं, जिस पोजीशन पर ये बैठ गए हैं, मुसरत हो गए हैं, इनको तो चाहिए था कि बताएं कि अवाम के लिए इन्होंने क्या किया। वो बाहर से आने वाले पाकिस्तानियों को मुखातिब होकर बताते तो सही कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ ये क्या कर रहे हैं, वो तो ये बताने से कासिर रहे, लेकिन इन्होंने सिर्फ वार किए अपोजिशन की लीडरशिप पर, जो बहुत ही अफसोसनाक है। और वहां पर वजीर खारजा ये कहते हुए हमें सुनाई दिए कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो आईन के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। अरे भाई, आप होश के नाखून लें, आपको तो खुद पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ पाकिस्तान को आईन देने वाली जमात है, बल्कि आईन का दिफा करने वाली जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर वक्त आईन का दिफा किया और इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश और जिदोजहद की। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं आप सबके तवस्सुत से यह बताना चाहती हूं कि आपके झूठ पर अब कौम कान नहीं धरेगी। कौम आप लोगों से बेजार हो चुकी है, पाकिस्तानी कौम आपको बददुआएं दे रही है। जो गालियां आप ऑपोजिशन को दे रहे हैं, आप जाकर सड़कों पर बाजारों में सुने तो सही कि लोग आपको कितनी गंदी गंदी दिल से गालियां दे रहे हैं। आप लोगों ने पाकिस्तानी कौम के साथ जो हशर किया है, जो आपने उनका हाल किया है, पाकिस्तानी कौम आपको अब इन कुर्सियों पे नहीं देखना चाहती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जो अवामी मार्च किया, उस मार्च के अंदर अवाम ने यह साबित कर दिया है कि वो इमरान खान को इस मुल्क का वजीर आजम नहीं देखना चाहते। उस शख्स पर उन्होंने अदम एतमाद का मुकम्मल इजहार किया है। और ये जो तहरीक है वो सिर्फ किसी एक शख्स की तहरीक नहीं या किसी एक जमात की तरफ से नहीं है, ये जॉइंट ऑपोजिशन की तहरीक है जो कि पाकिस्तान की अवाम की तरफ से है। पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को घर भेजने का तहैया कर लिया है। अब उनके जितने भी ये लोटे वजीर या जो भी और वजीर है इनके पास, वो जितनी भी बातें रोज करें उसका कोई असर नहीं होगा अवाम के ऊपर। फैसला पाकिस्तान की अवाम का है। अब आप हमें ये 10 लाख का मजमा इकट्ठा करने की धमकियां भी नहीं दे सकते, और ये धमकियां आप दे भी मत, क्योंकि अब हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि शायद किसी थाने में जाके आपकी रपट लिखवाएं, क्योंकि बगैर इसके मैं नहीं समझती कि आपको समझ आएगी कि आप कितना गैर कानूनी काम कर रहे हैं। कानून को हाथ में लेना खुद बजाते जुर्म है। आप मिनिस्टर की हैसियत में किस तरीके से लोगों को धमका रहे हैं? कोई खुदकश हमले की धमकी देता है, कोई कहता है इतने लाख बंदे जमा करेंगे और आपका हम ये हाल करेंगे वो हाल करेंगे। इट्स शेमफुल, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए इनको इंतशार फैलाने की जो ये हरकत पर उतर आए हैं। और वाकई ये पीटीआई अब पाकिस्तान तहरीके इंतशार बन के रह गई है, क्योंकि इंसाफ की तो अब इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ना मुआशी इंसाफ, ना ये अपना एहतसाब करवाना चाहते हैं। फॉरेन फंडिंग के 7 साल से केसेस को देखा जा रहा है, लेकिन ये बार बार स्टे ऑर्डर लेकर ये साबित कर चुके हैं कि इनको फैसले से घबराहट है, फैसले से इन्हें डर लग रहा है। ये जो इन्होंने इतने बैनर्स आवेजा किए हैं जिस पर कोई जर्मनी, कोई अमेरिका, कोई कौन सा दुनिया का मुल्क शुक्रिया है, मोजम्बीक शुक्रिया कर रहे हैं। अरे भाई, शुक्रिया पाकिस्तानी कौन ने करना है? शुक्रिया नारोवाल में बैठे इंसान ने करना है, शुक्रिया आपके पिशावर में बैठे आदमी का करना है, शुक्रिया सिंध से किसी का सुने, सांगड़ से सुने, लाड़काना से सुने, इन जगहों से शुक्रिया आना चाहिए। ये कहां आप मोजम्बीक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और
यहाँ पे पैसे खर्च करके बैनर लगा रहे, अपने थोबड़े लगा रहे उनके ऊपर. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. ये कोई तरीका है? वहां की आवाम जो आपके पाकिस्तानी गए हैं बेचारे कोई मजदूरी के सिलसिले में, किसी सिलसिले में, उनको भी बेवकूफ बना के टोपियां पहना रहे और यहां के लोगों का दिल जला रहे इस तरह के बैनर आवेजा करके. आप लोगों ने समझा क्या इस मुल्क को? ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है. ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का मुल्क है. इस मुल्क की अवाम के साथ जो इमरान खान ने बतौर वजीर आजम किया है, अब उसका हिसाब देना होगा. और ये क्या आपने रट लगाई है कि लोग बिकाऊ हैं? आप समझते होंगे मेंबर्स को बिकाऊ, हम नहीं समझते. हम तो समझते हैं कि मेंबर्स अपने हलके की आवाम के हक में फैसला करना चाहते हैं, अपने जमीर का फैसला करना चाहते हैं, और उनको उनके जमीर का फैसला करने से कोई रोक नहीं सकता. और ये स्पीकर कौमी असेंबली सर पकड़ के बैठ गए हैं क्योंकि उनको पता चल चुका है कि वो कोई गैर आईनी काम, गैर कानूनी काम नहीं कर सके. कोई ऐसा काम जिसके जरिए वो पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अराकीन को इस नो कॉन्फिडेंस के दिन असेंबली आने से रोकेंगे तो ये गैर आईनी और गैर कानूनी होगा. इस मुल्क में कोई भी कानून को समझने वाला, मैं कानूनी माहिर तो दूर की बात है, कोई भी कानून को समझने वाला शख्स इस बात की इजाजत नहीं दे सकता. और स्पीकर कौमी असेंबली को उनके अपने सेक्रेटेरिएट ने, लीगल साइड ने यह मशवरा दे दिया है कि आप इस तरह की कोशिश सोचने की भी जो है वो इसकी कोशिश ना करें, ये सोचे भी मत. तो स्पीकर कौमी असेंबली को जो पहले ही मुतनाजा हो चुके हैं, जिन्होंने पहले ही ऐसे बयान दे दिए हैं जिससे उनकी न्यूट्रलिटी पर बहुत बड़ा सवाल नजर आ रहा है, अब मजीद अपने आप को ख्वार ना करें. और खुदारा कस्टोडियन ऑफ द हाउस की तरीके से काम करें. और न्यूट्रल जो इमरान खान तो जानवर कहते हैं, लेकिन उनकी कुछ खवातीन जो है वो अपने आप को फिर टाइगर और टाइगरस भी कह रही हैं, तो अब पता नहीं. हमें तो इमरान खान ने बता दिया है कि भाई जानवर न्यूट्रल होता है, तो इनके जो टाइगर्स हैं वो अब फैसला करें, क्योंकि हम तो आज भी पूछ रहे हैं कि वो किसके लिए कह रहे थे ये बात. ये जो उन्होंने बात की थी ये किसके लिए कही थी? पाकिस्तान के आईन में इदारों का जिक्र है, इदारों की डेफिनेशन है, इदारों का ओथ है. जो जो काम इदारों का इस आईन ने रखा है, आईन के अंदर मुख्तस है, वो वही करेंगे. इमरान खान की धमकियों, उसकी गालियों, उस शख्स की धमकियों से कोई नहीं डरने वाला. उसके धमकियों से तो मैं समझती हूँ उसके घर में कोई घर वाले भी नहीं डरते होंगे. तो प्लीज इन चीजों से आप इज्तनाब कीजिए. और आप पार्लियामेंट में आने से किसी को रोकने की मंसूबाबंदी से गुरेज कीजिए और धमकियों से गुरेज कीजिए, क्योंकि इसके लिए जो कानूनी चारा गोई है फिर हम वो भी करेंगे. फैसल साहब मजीद इस पर ऐड करेंगे. शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी तमाम दोस्तों का. जैसे शाजिया ने बताया आपको कि अब डेली बेसिस पे इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पर घंटों के हिसाब से सिचुएशन चेंज हो रही है, और हमारी कोशिश होगी कि हम रोजाना की बेस पे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज या हमारी पार्टी लीडरशिप्स आपके साथ रबते में रहे, आपको हम अपडेट करते रहें. आज भी जैसे आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन रहनुमाओं का खाना, मीटिंग और खाना अपने घर पर रखा हुआ है, जिसमें अपोजिशन की जमातों के सरबराहान और उनके साथ उनके डेलीगेशन भी जाएंगे. आज मैं देख रहा था कि जैसे शाहजी ने बताया कि वहाँ पर ओवरसीज की एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इन्होंने किया है, ओवरसीज के हमारे बहनों और भाइयों को दोबारा अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. पहले तो जैसे हमने कहा कि आप फॉरेन फंडिंग में इमरान खान ने तलाशी देनी है, वरना जबरदस्ती तलाशी इसकी होनी है. हम इलेक्शन कमीशन, जैसे मैंने कल भी आपको कहा था, गए थे अपोजिशन जमातें 15 तारीख से, जो कि कल है, कल से हम उम्मीद कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे हेयरिंग होगी और इनकी तलाशी होगी. और जो झूठे इन्होंने बयानात रिकॉर्ड कराए, इन्होंने वकील चेंज कराए, वकील बहाना बना रहे कि मैं बाहर जा रहा हूँ और पाकिस्तान में मौजूद रहते हैं, तो हमारी ये
दोबारा इलेक्शन कमीशन से ये अपील है कि डेली बेसिस पे केस सुना जाए और बताया जाए कौम को कि जो फॉरेन फंडिंग में इन्होंने घपले किए हैं पीटीआई ने, वो सामने लाए जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने सवाल किया पीडीएम पे आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, तो शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी कोई आइडियोलॉजी किसी जमात के साथ नहीं है, हर जमात का अपना मंशूर है, अपने उनके वो है, लेकिन इस हुकूमत को गिराने के लिए, अदम एतमाद को एक जमहूरी तरीके से कामयाब करने के लिए अपोजिशन जमातों का इकट्ठ हुआ है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पीडीएम की बुनियाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब अपोजिशन की मीटिंग अपने घर पे एक दफ़ा बुलाई थी, उसके बाद जब मेरिटल में एपीसी हुई थी उसमें पीडीएम की बुनियाद रखी गई थी, जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस मीटिंग को होस्ट किया था। उसमें हमारे जो मेन वो था उसमें हमारा था कि हम इस मुल्क के लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए और इकोनॉमिक राइट्स के लिए हम खड़े होंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जदोजहद करते रहेंगे। पार्लियामेंट की बाहर की जदोजहद आप सब दोस्तों ने देखी, और जो लॉन्ग मार्च था जो कि कराची से इस्लामाबाद तक आया, आपने देखा लोगों का जोश और वलवला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और उसके इख्तिताम पे पार्लियामेंट के अंदर की जदोजहद है जो कि अदम एतमाद की है, वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कामयाब होने जा रही है। इन वज़रा की और वजीर आजम की जो तकरीरें हम सुनते हैं, जो उनके बयानात अभी आ रहे हैं, उससे हमें इंशाल्लाह ताला अंदाजा हो रहा है कि इंशाल्लाह ताला है हमारी अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी। हमने शाह महमूद साहब किसी को पैसों की ऑफर नहीं की, हम एलाइस के साथ बातें कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपकी जो एलाइस है जो कि माजी में हमारे एलाइस थे वो हमारे साथ शामिल हों, और मुस्तकबिल में अदम एतमाद की तहरीक उन एलाइस के साथ मिलकर जो है हम एलाइंस बनाकर उनके साथ मिलकर जो है हम आपकी हुकूमत गिराएं। आप हमारे मंशूर हमारे आइडियोलॉजी में बात करते हैं, आप अपनी आइडियोलॉजी तो बताएं, कभी आपकी आइडियोलॉजी किस जमात के साथ होती है, कभी किस जमात के साथ होती है। और अब जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये प्रीपेड पार्टी है, बैलेंस खत्म हो चुका है, तो फिर पता नहीं आप किस किश्ती के जो है किश्ती में बैठने पसंद करेंगे, पता नहीं किधर जाएंगे, फिर आपकी आइडियोलॉजी जो है एक दोबारा जो है अपडेट होने वाली है, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है, तो फिर आप पता नहीं कौन सी जमात में आपकी आइडियोलॉजी जाएगी और उस पर जो है आप बात करेंगे। और दूसरी बात, हमें तो पता नहीं है पीटीआई में कैसे कैसे लोग हैं, सुनने में आ रहा है पहले कहते थे कि वजीर आजम दीवार की उस तरफ भी देख सकते हैं, आज वो कह रहा था शाह महमूद साहब कि मैं गर्द में भी देख सकता हूँ क्या हो रहा है। तो ये तो बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, कोई 12 मौसम लेके आ रहा है, अब 12 मौसम खत्म होने का वक्त भी आ रहा है, पता नहीं हमारे फिर कितने मौसम होंगे, ठीक है। और जो वजीर आजम साहब जो है जो जिस किस्म की जो है उर्दू में पीएचडी हैं, हमारे लीडरशिप को हम उर्दू बहुत बेहतर जानते हैं, पहले आप बताएं कि आपकी भी तो बच्चे हैं, क्या आपने भी उनको उर्दू सिखाई है? कम अज कम अपनी वाली उर्दू मत सिखाना, कोई अच्छा उनके लिए अगर उस्ताद हो वो अगर रखें तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी बात, हमेशा हमने कहा वजीर आजम साहब से कि आप बताएं कि आपको बैरून मुल्क क्या तोहफे मिले और आपने किधर किए, कि आपने उधरी तोहफा मिला और उधरी बाजार में बेचा, या पाकिस्तान आके तोशेखाने में जमा कराकर अपना जो एक लीगल तरीके है उससे आपने लिए। हम बार बार सवाल कर रहे हैं कि तोशेखाने की तलाशी दें, तोशेखाने में आपने क्या कुछ रखवाया, क्या कुछ लिया, आपके जमहूरी हक आप ले सकते हैं, लेकिन ये आप किसी ने हक नहीं दिया कि आप तोहफा लेके किसी मुल्क में उधरी मार्केट जाकर बेच दें। ये चीजें जो है ये हम कबूल नहीं करेंगे, इसकी भी जो है आपको तलाशी देनी पड़ेगी। आज एक दफा फिर सुनने में आया कि तीसरी दफा काबीना का इजलास मुलतवी हो रहा है, चौथी मरतबा, चौथी दफा काबीना का इजलास मुलतवी हो रहा है, ये आप खुद समझ लें किस तरफ इशारे जा रहे हैं। आज मैं दोबारा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूं कि इमरान खान, उसकी काबीना और उसके जो नौरंग मैं कहूंगा उनका नाम ईसीएल में डालें, क्योंकि हमें सुनने में मिला है कि एक एक करके टिकटें कटवा कर मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको भागने नहीं देंगे, इनकी अगली मंजिल जो है जो इन्होंने लूट मार की है, इनकी अगली मंजिल जो है वो अडियाला जेल ही है। लिहाजा मेरी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट होगी,
कि आप इसके ऊपर सोमोटेशन लें, इनके नाम ECL में डलवाएं, और साथ साथ हम इस बात पर भी हम गौर कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि हम इस्लामाबाद में लीगल तरीके से रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे कि जो धमकियां हमें हमारे MNAs को सुबह वफाकी वजरा की तरफ से दी जा रही हैं कि आप लोग इतने मजमे से गुजर के जाएंगे और इतने मजमे से गुजर के जाएंगे और लोग खड़े आप इंतशार फैलाना चाहते हैं, हमेशा हारने वाला इंतशार फैलाना चाहता है। हम बिल्कुल आएंगे, हर MNA का एक जमहूरी हक है इस मुल्क में कि वो अपना वोट कास्ट करे और वो कास्ट करेगा। हर बंदा आपके स्पीकर की तरह टाइगर फोर्स का बंदा नहीं होता कि आपका स्पीकर इस वक्त टाइगर फोर्स का एक रुकन बना हुआ है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है, उसके भी इंशाल्लाह दिन गिने जा चुके हैं क्योंकि अदम एतमाद कामयाबी के बाद फिर हमारे और भी सफर है जो हमें तय करना है, जिसमें सबसे पहला टारगेट मुझे लग रहा है कि स्पीकर नहीं होना है क्योंकि जिस तरीके से उसने इस 3.5-4 साल में असेंबली चलाई है, उसने असेंबली की नहीं बल्कि उस कुर्सी की तौहीन की है, जिस तरीके से उसने नीचे बैठे हुए एक बहुत ही जूनियर वजीर के रिमोट कंट्रोल पे अगर ये जो है स्पीकर चले तो वो क्या मैसेज दे रहा है। आज मेरे सूबे से ताल्लुक रखने वाले एक वफाकी वजीर ने भी कुछ इरशादात फरमाए हैं, मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको कहा था कि इतना करें कि जितना फिर किताब खुलने की देर होगी, तो उसके मुतालिक इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आपको उनके मुतालिक बताएंगे जो उन्होंने बहुत सी चीज़ें, किताब भी लिखी गई, उनके वालिद साहब ऑस्ट्रेलिया में आला तालीम हासिल करने के लिए उम्र में भी गए, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कल स्टूडेंट वीज़े पे गए आला तालीम हासिल करने के लिए इस उम्र में भी जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, रूहानियत पढ़ने जा रहे थे, पता नहीं क्या पढ़ने जा रहे थे वहाँ पर। और जो अभी रिसेंटली कल न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि एबटाबाद में अयूब मेडिकल कॉलेज में AGP की रिपोर्ट है कि 1 अरब रुपए का गबन हुआ है, 1 अरब रुपए का गबन अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में एबटाबाद में हुआ है। तो इनकी दास्तानें जो हैं वो जो है इतनी लंबी और बड़ी दास्तानें हैं, और जो पिशावर में इस वक्त हमारे डॉक्टर्स एहतजाज पे हैं, MTI सिस्टम के खिलाफ एहतजाज में हैं, नर्सेज एहतजाज में, हमारे डॉक्टर्स को कोविड के दिनों में जो अलाउंस मिलना था उनके पैसे आए हुए फॉरेन कंट्री से वो उनको नहीं मिल रहे, 1100 डॉक्टर्स एडहॉक में भर्ती किए गए, आज 2 साल हो गए उनको कंफर्म नहीं किया जाए, आज हमारे डॉक्टर्स जो कि फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले हैं आज वो एहतजाज पे हैं, हमारे तलबा एहतजाज पे हैं, हमारा हर तबके फिक्र के जो है लोग जो हैं वो एहतजाज पे हैं, और हम आपके साथ भी एहतजाज में, आपकी भी जबान बंदी जिस तरीके से वो उन्होंने की है, हम आप दोस्तों के साथ भी शाना बशाना इंशाल्लाह खड़े हैं। और रिसेंटली हम उस चीज की भी जो है मुजम्मत करते हैं कि जो एक MNA के घर में एक एंकर पर्सन के साथ वाकया पेश आया, अब ये बोकलाहट के शिकार हो गए, अब मतलब है कि ये कहते हैं कि हम जो बातें हम करें वही आप छापे, बाकी नहीं हो सके, लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मौसम तब्दील होने वाला है, 12 मौसम है तो बहुत जल्दी तब्दील होने वाले होते हैं, हर महीने बदलते हैं, इंशाल्लाह मौसम तब्दील होने वाला है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्लाह इस कौम को खुशखबरी मिलेगी इमरान खान की निजात की। शुक्रिया, बड़ी मेहरबान। मैडम ये बताइएगा कि पाकिस्तान के कुछ बुजुर्ग कह रहे हैं कि काफ लीग के जो चौधरी परवेज लाई है उनसे मुलाकात की जाए और वजीर आला का मनसब जो है उनको दे दिया जाए, इससे हमारी हुकूमत बच सकती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा ख्याल है कि अब इनके लिए तो मैं ये कहूंगी कि पानी सर से गुजर चुका है, अब ये जितना भी जाके सर पीटेंगे, दीवारों से सर पीटेंगे, इनके हाथ कुछ नहीं आना, इनके ऊपर से पाकिस्तान की आवाम का मुकम्मल एतमाद जो है वो उठ चुका है, और इसीलिए हमने आपसे पहले भी कहा कि हमने जो जमहूरी तरीका, जो पार्लिमानी तरीका है वो इख्तियार किया है, ये तमाम चीज़ें जो जॉइंट अपोजिशन ने की हैं अवामी मार्च के इख्तिताम पर, वो इसलिए थी कि हमें पता है कि पार्लियामेंट से भी इस शख्स को
रुसवाई मिलेगी। और एक मैं आप लोगों के साथ जो कंफ्यूजन ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको क्लियर कर दूं कि आप भी जानते हैं और आप लोग, क्योंकि आप में से कई लोग असेंबली को कवर करते हैं, आपको पता है कि सेशंस जो हैं वो किस तरह बुलाए जाते हैं और समन्स जो हैं वो कहाँ से जारी होते हैं। हमने जो रिक्विजिशन डाली है उसके हवाले से कुछ वजीर और खुद स्पीकर कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझती हूं कि इस हवाले से जो कौमी असेंबली का सेक्रेटेरिएट है उसको भी वजाहत करने की जरूरत है। पाकिस्तान के आईन के, यहां मेरे पास आईन मौजूद है, आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 54 के सब आर्टिकल 3 के अंदर बड़ा वाजे लिखा है और उसमें लिखा है ऑन ए रिक्विजिशन साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली द स्पीकर शैल समन द स्पीकर शैल समन द नेशनल असेंबली टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट within 14 days of the receipt of the requisition and when the speaker has summoned the assembly only he may prorogue it. matlab jab wo requisition, ek to requisition wo khud bulayenge, theek hai na ji, article 54 ka sub article 3 hai, ek to requisition milne par wo khud bulayenge aur usko prorogue bhi wo khud karenge, तो इसमें वो बिल्कुल उनके पास मुकम्मल अथॉरिटी इख्तियार है, आईन ने उन्हें दिया है। अगर वो इस इख्तियार को एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो आईन की खिलाफ वर्जी करेंगे और अगर वो किसी को, वो या कोई वजीर मौसूफ ये कंफ्यूजन फैलाएंगे तो वो आईन के खिलाफ बात कर रहे होंगे। इसीलिए हमने कल भी आपसे ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद बिलावल ने कि आर्टिकल 6 तो ये खुद अपने ऊपर लगाने की कोशिश में तुले हुए हैं, ये खुद ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि आईन की खिलाफ वर्जी नजर आ रही है। तो ये हमें ना बताएं कि पाकिस्तान के आईन में क्या लिखा है और हमें क्या करना है। और ये भी कहा गया है एक वजीर की तरफ से कि चेयरमैन बिलावल ने कहा है इदारों को, तो बिल्कुल चेयरमैन बिलावल ने ECP को और इस मुल्क में मौजूद जो कानून के रखवाले इदारे हैं उनकी अटेंशन बिल्कुल इस जानिब उन्होंने रागे कराई है कि भाई हम वोट देना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का जो ऐवान है, जो कौमी असेंबली है, उसके अराकीन वोट देना चाहते हैं, आप इंश्योर करें कि उनका वोट का जो प्रोसेस है उसमें कोई हायल ना हो। तो ये क्या गलत बात है? शाह महमूद कुरैशी साहब से मैं पूछना चाहती हूं कि वोट देना गलत है तो आप मुझे इस पर बताएं, आईन के आर्टिकल 55 को फॉलो करना गलत है तो आप बताएं, इस कौमी असेंबली के रूल्स के अंदर जो मेंबर की डेफिनेशन है कौमी असेंबली की, जो 2 के अंदर डेफिनेशंस डिफाइंड है उसमें मेंबर की डेफिनेशन में मेंबर नेशनल असेंबली है वो गलत है तो मुझे कुरैशी साहब बताएं। कुरैशी साहब लोगों को गुमराह ना करें, बहुत हो गया। कुरैशी साहब जब पीपुल्स पार्टी में होते हैं तो पीपुल्स पार्टी के लीडर से अच्छा लीडर कोई दुनिया में नहीं होता, जब दूसरी जमात में चले जाते हैं तो उस जमात का लीडर जो सबसे अकलेकुल हो जाता है, जिसको यह पता नहीं है कि रात को पौधों से ऑक्सीजन निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उसकी अल की तो मैं क्या बात करूं। तो लिहाजा ये पार्टियां बदलने वाले ना बताएं कि आईन को किस तरह फॉलो करना चाहिए, वो पहले आईन खुद पढ़ें, पहले पढ़ लें फिर आके बात करें, क्योंकि इस वक्त जो वो बात कर रहे हैं वो गलत बयानी है, वो झूठ पर मबनी है। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप इस नेच पर आ गए हैं कि आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। जी सर, मैम, जी मैम, मेरा बात ये है कि अभी कोर्ट कमेटी का इजलास हुआ, जैसे मेरे भाई ने भी एक बार पूछा, फवाद चौधरी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके फैसले बताए, तो पहले मैं चाहती कि मदर ऑफ ऑल द पब्लिक मीटिंग तमाम जल्स की मां जो है बड़ा जनाब नीचों पे करने जा रहे हैं, एक बात उन्होंने ये फैसला बताया कोर्ट कमेटी के, दूसरा उन्होंने कहा जी के हम कर रहे हैं, हमारे पास द्रव के पत्ते हमारे पास है,
पृथ्वीराज के पात्र जोकर है अपनी कॉलेज, ये जोकर जो है आपको पता चल जाएगा आतंकवाद के बाद। ये चीजों का आप देखिए बात सुने, एक तो फवाद चौधरी साहब जो है ना वो मदर ऑफ ऑल लोटास हैं, तो इसलिए वो तो इतने बड़े लोटे हैं कि मैं मुझे तो उनकी किसी बात पर अब हैरत नहीं होती। मुझे लगा कि किसी एक जमात में जाकर वो अपनी सियासी क्रेडिबिलिटी पर काम करेंगे, क्योंकि यकीनन बड़े बुजुर्ग यही चाहते हैं कि आपकी औलाद जो है वो दुनिया में इज्जत पहले कमाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ये चीजें ना समझ आती हैं ना रास आती हैं। नाम कमा लिया उसने। अब नाम वही तो, बदनाम कर भी नाम लोग कमा ही लेते हैं। तो मैं तो एक्चुअली उनकी बातों का मुकम्मल, मैं उसको एक तो अहमियत भी नहीं देती हूँ। और जहां तक उन्होंने पैसे की बात की, मैंने पहले भी कहा कि देखें मेंबरान को इस तरह जलील कर रहे हैं, वो अपने ही अराकीन को जलील कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने कुछ अराकीन को जलील किया था, फिर दूसरे दिन जाकर उनकी मिनते तरले करके उनको एक झूठा वो एतमाद का ड्रामा करके और वोट ले लिया था। पहले उनको चोर भी कह दिया था, तो बिकाऊ भी कह दिया था, बिकाऊ माल। तो अब ये फिर तौहीन कर रहे हैं। ये मैं समझती हूं कि जिन अराकीन को ये बिकाऊ कहते हैं, ये उनके वोटर्स की भी तौहीन होती है। तो अब इनको अब होश के नाखून लेने चाहिए। इस मुझे तो देखिए, हम तो कह रहे हैं ना, आपके पास रिक्विजिशन पड़ी है, ये है पाकिस्तान का आईन, इसमें स्पीकर को मुकम्मल इख्तियार है कि वो विद इन 14 डेज सेशन बुलाए। हम तो कह रहे हैं जी आप कल सेशन बुलाएं, आपके पास जो भी कार्ड्स हैं वो सामने रखें, आपके पास नंबर्स हैं आप ले आए, मगर धमकियां ना लगाएं। ये जो आप लोगों का घिराव लोग करेंगे, फलाना होगा, देखिए लोग इस वक्त कहते हैं ना नथिंग टू लूज, अब लोगों के पास गवाने के लिए कुछ नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से मुल्क को निजात हमें दिलानी है। देखिए वो जो पत्ते की बात कर रहा है, जिसके पास कार्ड है, उस कार्ड की जरा एक्सपायरी डेट, जोकर ही होगा जो हाथ में होगा, जोकरों के पास जोकर ही होते हैं, वो उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर ले, वो कार्ड एक्सपायर हो चुका है, उनको समझ आ गई होगी। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो डिप्टी कमिश्नर के जरिए बसेज लाना और आवाम के जरिए पब्लिक को लाना, ये बड़ा फर्क है। जिस दिन बगैर पटवारियों के जलसा होगा उस दिन देखेंगे, उस दिन हम बात, नंबर एक। दूसरा, मेरे भाई ने भी कहा है कि वो वजारत आला उनकी देखिए कैबिनेट के अंदर इख्तलाफ पैदा हो चुका है। एक वजीर ब्लैकमेलर कह रहा है तादियों को, एक वजीर कोर कमेटी में बैठ के कुछ वजारा कह रहे हैं उनको वजारत आला दें, तो इसका मतलब है कैबिनेट के अंदर भी इख्तलाफ खुल के, आपकी रिपोर्टिंग के मुताबिक, आपकी रिपोर्टिंग के मुताबिक कैबिनेट के अंदर खुल के इख्तलाफ आ चुका है। तो आप वो इसीलिए कैबिनेट का इजलास बार बार मुलतवी किया जा रहा है। तो मदर ऑफ ऑल जलसा, मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल लैंग्वेज इस्तेमाल की जानी चाहिए, वरना पाकिस्तानी तारीख सीखें, कोई खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाक्य आ गया तो फिर FIR उन्हीं पे होगी जो आज गरम गरम बयानात दे रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि टेम्परेचर को कम किया जाए, ये मुल्क ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल में गिरा हुआ है जी। भाई मेरा ख्याल है कि आप ये कानून की किताबें ले लें और इसमें आप देख लीजिए, मैंने जो जो आर्टिकल्स आपको बताए अगर आप वो खुद पढ़ लेंगे तो मेरा ख्याल है आपको सवाल भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त जो कानूनी ऑप्शन था हमने इख्तियार कर लिया है, जो आईनी ऑप्शन था हमने इख्तियार किया हुआ है। हम मुंतजर हैं कि स्पीकर कब वो रिक्विजिशन जो हमने जमा कराई है उसके मुताबिक सेशन कॉल करेंगे। और क्या आप चाह रहे हैं हमसे, कानूनी ऑप्शन आईन के अंदर दर्ज है मेरे भाई, पढ़ लीजिए तो ये सवाल बनेगा नहीं। उस्मान एक आप उसके बाद आप कर लें। इत्तेहादी हवाले से क्या इत्तेहाद है, इत्तेहादी क्या उन्होंने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया, आपके साथ हैं, हुकूमत के कितने लोग हैं जिन्होंने आपको यकीन दहानी करवा दिया। और दूसरा ये बता दीजिएगा कि आप इतने जवाब इतने हैं कि इमरान को घर भेज दे जी। उस्मान जी जी कर ले उस्मान। आखिरी सवाल मेरे लिए बता दीजिएगा कि जो चेयरमैन सेनेट है उसके हवाले से भी बाजगश चल रही है कि वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ अगर मेहमान का मेरे बंदे भी आपका साथ होंगे, इसकी तस्दीक जा जाती है। अच्छा,
دیکھیں جہاں تک اپوزیشن جماعتوں کے الائز کی بات ہے جو کہ ہمارے تو اپنے اپوزیشن کے ممبران تقریباً یکجا ہیں, ہماری پارٹی یکجا ہیں, ہماری بات چیت پی ایم ایل این کیو کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ, بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ہمارے ڈائلاگ شروع ہیں. جب فائنل ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ مشترکہ پریس کانفرنس یا وہ پریس کانفرنس کر کے اس میں اعلان کریں گے. ہماری پوری کوشش ہے اگر تینوں جماعتیں یا ہمارے پاس دیکھیں 7-8 ممبرس کا فرق ہے تو ہمارے جب پورے ہوئے تھے ہمیں تو نہ توڑنے کی ضرورت ہے اور نہ ہم توڑنا چاہتے ہیں. ان کے اپنے ممبران جو کہ پارلیمانی پارٹی میں جو کہ کیبنٹ میں اٹھ اٹھ کر عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, وہ تو خود ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. نہ ہمارا کسی کے ساتھ رابطہ ہے, نہ ہم کسی کو توڑنا چاہتے ہیں, نہ کسی کو پیسے دینا چاہتے ہیں. ہم الائز کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, ہم نے ماضی میں بھی الائز کی پالیٹکس کی ہے, ہم مستقبل میں بھی الائز کی پالیٹکس کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اور قوم بہت جلد خوشخبری سنیں گے. ہمارے ممبرس آپ نے سوال کیا نا قانونی, ہم آپ کو چارٹ دیں گے, آپ لے لیں پی ایم این ایل کی کتنے ہیں, پیپلز پارٹی کی کتنے ہیں, ہمارے اتحادیوں کے کتنے ہیں اور جو ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ان کے اگر آپ فگر بنا لیں گے جیسے آپ روزانہ میں ٹی پہ فگرز بتاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر کتنے ہیں ادھر کتنے ہیں, تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. دیکھیں یہ فیصلہ اپوزیشن میں جو ہم اس وقت جماعتیں بیٹھی ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کے خلاف, پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے, سپیکر ہے, چیئرمین سینٹ ہے, کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے, باقی چیف منسٹر ہیں, یہ سارے اپوزیشن کے سربراہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. اس میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ مشترکہ ہوں گے کیونکہ لائے عمل مشترکہ, ہماری ورکنگ پارٹنرشپ ہے. اور جس طریقے سے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی جماعتیں ہیں, کہ جماعتیں آئیڈیولوجیکلی ڈفرینسز رکھتی ہیں لیکن ورکنگ الائنس ہمیشہ بنتے آئے ہیں. یہ ایک ورکنگ الائنس ہے جس کے تحت کام ہو رہا ہے. اور عمران خان کو ایک مشورہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے چند صاحب نے کہا کہ پٹواریوں سے جلسے کرانا چھوڑے, ابھی بھی کوشش یہ کرے کہ عوام نے معاف کرنا ہے, معاف عوام نے کرنا ہے. عوامی مارچ میں جو انہوں نے دیکھا, اور یہی وہ عمران خان ہے جو کہتا تھا کہ مٹھی بھر لوگ اگر گو عمران گو کے نعرے لگائیں گے تو کراچی سے لے کر اسلام آباد تک عوام کا سمندر صرف گو عمران گو کہہ رہا تھا اور تو کچھ نہیں ہم نے سنا. سہیل بھائی سے کر لے آخری, سہیل بھائی ایک پٹھان بھی بیٹھا ہے وہ بھی اور یہ بھی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی چیف ایم پی ہیں اور آپ ڈپٹی سپیکر بھی رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں جب بھی ایسا کوئی ایجوکیشن ہوتا ہے یا اسپیکر کوئی قانون کی خلاف ورزی بکول آپ کے کہ وہ کرتا ہے تو اپوزیشن واک آؤٹ کر جاتے ہیں اور ان کو کھلا میدان چھوڑتے ہیں, اس دفعہ ایسا ہوگا؟ اور اگر ایسا ہوگا تو آپ کی پارٹی کہاں ہوگی؟ دیکھیں ریکوزیشن اپوزیشن کی ہے, اور جو ہم واک آؤٹ بھی کبھی ٹوکن واک آؤٹ کرتے ہیں تو وہ پارلیمانی نارمز ہوتے ہیں, اس کے تحت ہوتا ہے. لیکن ہم ہرگز ان کو بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے, اب یہ فرار نہیں ہوں گے. گو کے پی ٹی آئی کے اراکین فرار ہو رہے ہیں ان کی جماعت سے, لیکن ہم ان کو ان کی ذمہ داری سے فرار نہیں ہونے دیں گے. اسپیکر صاحب کو ایک بار پھر آپ کے توسط سے میں کہوں گی کہ ریکوزیشن کے اوپر آئینی طور پر کام کیجئے, کوئی غیر آئینی راستہ اختیار کریں گے تو یہ آپ کے لیے غلط ہوگا. اسپیکر کو سیکورٹی رینجر کی سیکورٹی کی کیا ضرورت پڑے گی؟ نہیں دیکھیے یہ سوال بھی آپ بھی کر لیں, اسپیکر کو اس وقت رینجر کی سیکورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی سوال کرتے ہیں تو اکٹھے ہم لے لیتے ہیں, تین سوال کر لیں پھر پوائنٹ اپ. یہ ہے کہ بیرونی ہاتھ بار بار, اچھا ٹھیک. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ الائز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ جماعتیں ہیں, اور اگر آپ جماعتوں کو جس طریقے سے اب اس وقت جن القاب سے یہ لوگ خود نواز رہے ہیں کہ وزراء بہت ساری باتیں ان کے خلاف بھی کر جاتے ہیں اور پھر یہ پیر بھی پڑ جاتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جو الائز ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ ان کے پاس ہے ککھ نہیں, لیکن یہ جو ہے صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے ان کا استعمال کر رہے ہیں. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں نو کانفیڈنس کے موشن کو سپورٹ کرنے کا تو استعفے کی نوبت نہیں آئے گی بھائی, پھر گھر جانا بالکل پکا ہی ہے, ڈن. پھر استعفیٰ تو وہ پہلے دے دیتے جو ہم ان کو کہہ رہے تھے, راستہ بلاول صاحب دے رہے تھے عوامی مارچ کے اندر, بار بار وہ بلاول صاحب کہتے رہے کہ استعفیٰ دے دے, عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے کراچی سے لے کے یہ پورا جو پنجاب کا آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا سمندر ہے وہ گو عمران گو کہہ رہا ہے, آپ استعفیٰ دے دیں, آپ دیکھ لیں, آپ خود دیکھ لیں. اور یہ غیرت شرم والا دیکھ بھی لیتا ہے, لیکن اب انہوں نے نہیں یہ فیصلہ لیا
तो आप अदम इत्माद को वो फेस करेंगे और इसमें उसके फैसले को उनको एक्सेप्ट करना होगा। जो बात है रेंजर्स की, देखें हमें अफसोस है, हमने पहले भी इस बात की मजम्मत की है और स्पीकर साहब क्यों ये इम्प्रेशन दे रहे हैं ये हम नहीं जानते, स्पीकर साहब क्यों भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से हम नहीं जानते, स्पीकर साहब क्यों खुद को टाइगर फोर्स का हिस्सा कहते और कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं कहते, इस पर हमें तशवीश है और अफसोस है। और जहां तक आपने कहा बैरूनी हाथ है, भाई इस मुल्क से आवाजें आ रही हैं गो इमरान गो, बाहर मुल्क की कोई आवाज नहीं है जो हमने सुनी है। इस मुल्क की आवाम महंगाई गुर्बत बेरोजगारी से परेशान है और वो इमरान खान को अब इस कुर्सी पे नहीं देखना चाहते हैं, लिहाजा इमरान खान को अब जाना होगा।